सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ राइट सॉल्यूशंस के एएमडी प्रोसेसर्स के प्राइजेस। हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि राइट सॉल्यूशन में एएमडी प्रोसेसर्स के क्या प्राइजेस चालू है। मैं सारे प्रोसेसर्स दिखाने वाला हूँ आपको, जो लेटेस्ट लॉन्च है और जो जूने प्रोसेसर्स है, ओल्ड प्रोसेसर्स है, वो भी मैं आपको ये वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। और देखते हैं कि राइट सॉल्यूशन में क्या प्राइजेस चालू है प्रोसेसर्स के। उधर राहुल भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। प्रोसेसर्स में आज की इस वीडियो में हम लोग एएमडी प्रोसेसर्स कवर करेंगे। तो कैसा चालू अभी मार्केट में एएमडी का प्राइस? देखो, एएमडी का प्रोसेसर है A67480 प्रोसेसर है। इसका अप टू 3.8 गीगाहर्ट्ज है, 1 MB का कैची है, इसके अंदर 8 कंप्यूटिंग कोर्स है। इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 3500 रुपीज का। देन इसके बाद में A89600 प्रोसेसर आता है, जो अप टू 3.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 10 कंप्यूटर कोर्स है इसके अंदर, 4 CPU प्लस 8 GPU है इसके अंदर, 2 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 6000 रुपीज़ का। देन इसके बाद में एथलॉन 3000G का प्रोसेसर है, जो वेगा 3 ग्राफिक्स के साथ आता है, 2-core 4 थ्रेड प्रोसेसर, 3.5 GHz, इसके अंदर 5 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 5300 रुपीज़ का। देन इसके बाद में राइजन 3 2200G का प्रोसेसर है, ये 4-core 4 थ्रेड प्रोसेसर है, 3.7 GHz बूस्ट, 3.5 GHz बेस, इसका 6 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 12500 रुपीस का। देन इसके बाद में 3200G का प्रोसेसर है, राइजन 3 3200G, 4-core 4 थ्रेड प्रोसेसर है, ये राइजन 3 3200G सेकेंड जेन प्रोसेसर है, लेकिन 3200G मॉडल नंबर आया है। इसके अंदर वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड है, 4 GHz का बूस्ट है, 3.6 GHz और 6 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 13500 रुपीस का। ओके, और राहुल भाई, 3200G का भी मार्केट में बहुत शॉर्टेज चल रहा है, ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, जितना कम क्वांटिटी में मिल रहा है वो क्वांटिटी में मिल रहा है बस इसके अंदर वैसे। देन इसके बाद में राइजन 5 3400G का प्रोसेसर है, ये 4-core 8 थ्रेड प्रोसेसर है, 3.7 GHz बेस, 4.2 GHz बूस्ट, इसके अंदर वेगा 11 ग्राफिक्स आता है, पड़ता है अपने को 15500 रुपीस का। ओके, और जो 3400G है वो अभी OEMs आ रहे हैं, बॉक्स भी आ रहे हैं, बॉक्स एकदम कम क्वांटिटी में आ रहे हैं, OEM ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। ओके, एक दो PC बॉक्स के अवेलेबल रहेंगे। और OEM और बॉक्स पैक में क्या डिफरेंस रहता है? कुछ भी नहीं, दोनों 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है। फर्क है, कंपनी के पास शॉर्टेज आ रहा है, मटेरियल का शॉर्टेज आ रहा है, तो फिर वो OEM में बेच रहे हैं, 3 इयर्स वारंटी उसका भी आ रहा है, 3 इयर्स वारंटी इसका भी है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। देन इसके बाद में राइजन 5 2600 का प्रोसेसर है, ये 6-core 12 थ्रेड प्रोसेसर है, 3.4 GHz 3.9 GHz बूस्ट है इसके अंदर, ये पड़ता है अपने को 16500 रुपीज का। देन इसके बाद में राइजन 5 3500 प्रोसेसर है, 6-core 12 थ्रेड प्रोसेसर है, 4.1 GHz 3.6 GHz बूस्ट है, इसका जो MB रहता है 19 MB का कैच है, इसका प्राइसिंग पड़ता है अपने को 15500 रुपीज का, 6-core 6 थ्रेड प्रोसेसर है। देन इसके बाद में इसके ऊपर 3500X आता है, 6-core 6 थ्रेड प्रोसेसर, 4.1 GHz बूस्ट है, 3.6 GHz बेस है, 35 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 17000 रुपीज का। देन इसके बाद में 3600 प्रोसेसर है, राइजन 3600 प्रोसेसर है, ये 6-core 12 थ्रेड प्रोसेसर है, 4.2 GHz 3.6 GHz बेस है, ये पड़ता है 17250 का। देन इसके बाद में राइजन 3600XT है, मतलब ये सब जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो जी वाले जो प्रोसेसर आते हैं वो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी नहीं है, जो XT और जो नॉर्मल प्रोसेसर आते हैं उसके अंदर 2 GB मिनिमम ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है। ये 3600XT है, 6-core 12 थ्रेड प्रोसेसर है, 4.5 GHz 3.8 GHz बूस्ट है, प्राइसिंग पड़ता है अपने को 17750 रुपीज का। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 200-250-300-400 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि 5th जनरेशन के प्राइसिंग बहुत ज्यादा लेस हो रहा है, इसके हिसाब से 3rd जनरेशन स्टेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है। ओके, देन इसके बाद में 5600X प्रोसेसर है, राइजन 5600X प्रोसेसर है, 6-core 12 थ्रेड प्रोसेसर, 3.7 GHz 6 GHz है, इसके में डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड जरूरी है, 35 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 20,500 रुपीस का, राइजन 5 5600X। देन बाद में इसके बाद में देखा जाए तो 5th जनरेशन में जो APU सीरीज लॉन्च हुए थे, मतलब हुआ टाइम हुआ थोड़ा, लेकिन लॉन्च हो चुके हैं, 8-core 16 थ्रेड प्रोसेसर है, राइजन 7 5700G है ये, 8-core 16 थ्रेड प्रोसेसर विद वेगा ग्राफिक्स है इसके अंदर, इसके अंदर जो MB है 20 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 27,500 रुपीस का। ये राइजन 7 है, सेम टू सेम में एक राइजन 5 भी अवेलेबल है 5600G, इसका है 6-core 12 थ्रेड प्रोसेसर, 3.9 GHz 4.4 GHz बूस्ट, 19 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 21,000 रुपीस का। तो ये APU है, ये दोनों 5700G और 5600G ये APU है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी नहीं है। ओके, इसके अंदर डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड इन पे ला जाएगा, जो बजट PC जो बजट गेमर्स है उसके अंदर ये प्रोसेसर वो यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ग्राफिक कार्ड का प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है, उसके हिसाब से 5756G ये प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। देन राइजन 7 का एक प्रोसेसर है 1700 है, जो एक्चुअली शॉर्टेज में फर्स्ट जन प्रोसेसर है, जो पहले लॉन्च हुआ था 1700, 8-core 16 थ्रेड प्रोसेसर है ये, 3 GHz का प्रोसेसर है, 3.7 GHz बेस, 3.7 GHz ओवरक्लॉक है, 20 MB का कैच है, 8-core 16 थ्रेड प्रोसेसर है, ये पड़ता है अपने को 13500 रुपीज का। 8-core 16 थ्रेड प्रोसेसर सबसे पहले आया था राइजन 7, ये भी एकदम लिमिटेड स्टॉक में है।
देन इसके बाद में राइजन 7 2700X है जो 8-core 16-thread प्रोसेसर है, 3.7 GHz इसके अंदर है, 4.3 GHz बूस्ट है, इसके अंदर भी डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी है। इसके अंदर जो MB है 20 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने 18,500 rupees का। राइजन 7 है जिसको एडिटिंग वेडिटिंग के लिए, राइजन 7 जो कोर्स रहते हैं वो 8-core 16-thread के लिए जाए तो बेटर रहता है। देन इसके बाद में राइजन 7 3700X प्रोसेसर है, 3700X है, 8-core 16-thread प्रोसेसर है, 3.6 GHz 4.4 GHz बूस्ट है, 36 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 26,500 rupees का। इसके अंदर RGB कूलर आता है, साथ में RGB वेरिएंट कूलर आता है, बाकी कौन से प्रोसेसर है जो नॉर्मल ब्रेथ कूलर देते हैं। देन इसके बाद में आता है 5900X, 5900X जो राइजन 9 का 5th generation प्रोसेसर है, 12-core 24-thread प्रोसेसर है, पीछे Gen 4 सपोर्ट करता है, 3.7 GHz 4.8 GHz बूस्ट है, इसके अंदर जो MB आता है 70 MB का कैच है, ये पड़ता है अपने को 42,500 rupees का। ये इसके अंदर लिक्विड कूलर रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस के हिसाब से, इसके अंदर साथ में कूलर्स नहीं आते हैं। देन इसके बाद में राइजन 9 5950X है, इसके अंदर 16-core 32-thread प्रोसेसर है, इसका 72 MB का कैच है, वो पड़ता है अपने को 57,500 rupees का। ओके वो सबसे टॉप है ग्राफिक, मतलब सबसे टॉप है AMD में राइजन 9 5950X, उसके ऊपर Threadripper चालू होता है। राहुल भाई अभी हम लोग ने देखा पूरा A to Z AMD का जितना भी अभी तक लाइनअप है उसका सारे का प्राइसेस देखा हम लोगों ने, तो AMD का भी प्राइसेस जरा हाई चल रहा है अभी के मार्केट में, तो कब तक कम हो सकता है? AMD का कैसे है, देखो सेकंड थर्ड जनरेशन जो प्रोसेसर है उसका ही हाई चल रहा है क्योंकि कंपनी के पास शॉर्टेज है उसके हिसाब से। फिफ्थ जनरेशन की प्राइसिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, 57 56 जो 5600G अपन सब देख रहे हैं, 59 ये सबका प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम हो चुका है, प्राइसिंग धीरे धीरे लेवल पे आ जाएगा, मतलब जाएगा थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन प्राइसिंग लेवल पे आ जाएंगी। ओके तो कितना तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिवाली तक, क्या दिवाली के बाद या फिर नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट? नहीं नेक्स्ट ईयर तो नहीं, दिवाली के बाद में थोड़ा प्राइसिंग कम हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन के तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाले हैं। ओके तो वैसे ये था पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगेगा, अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।